हेलो दोस्तों, हमारी एक न्यू फ्रेश वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के बारे में और जानेंगे कि इसके क्या डिटेल्स है, क्या लेटेस्ट अपडेट्स है और ये प्रोजेक्ट कब तक पूरी तरह से बन पाएगा, इसके क्या फैक्ट्स और फीचर्स है, ये सब कुछ हम इसी वीडियो के दौरान डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, ये 687 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे होगा जिसमें 6 लेन्स मौजूद होंगे और अगर यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ता है तो इसे फ्यूचर में 8 लेन्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये एक्सप्रेसवे 2023-2024 के बीच में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो लैंड एक्विजिशन का काम है, जो कि सभी प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी बड़ा सरदर्द है, वो इस एक्सप्रेसवे के लिए ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर वर्क भी शुरू हो चुका है। बात करें यहाँ पर ट्रैवल टाइम की, तो दोस्तों अभी करेंटली अगर आपको दिल्ली टू कटरा बाय ट्रेन जाना हो तो वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ पर चलाई जाती है जो कि 8 घंटे का समय लेती है और इसका जो किराया है जो कि मिनिमम 1630 और मैक्सिमम 3000 के आसपास, वो भी सभी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। वहीं पर अगर आप बाय रोड जाते हो तो आपको 11 घंटे का समय तो आराम से लग जाएगा। लेकिन एक बार ये एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद आप दिल्ली टू कटरा बस 6.5 घंटे में ट्रैवल कर सकते हो, यानी कि आपका लगभग 45% टाइम यहाँ पर बच रहा है। और वहीं अगर दिल्ली टू अमृतसर आपको जाना है तो जहाँ पहले आपको 8 घंटे का समय लगता था, तो इस एक्सप्रेसवे के साथ आपको केवल 4 घंटे का ही समय लगेगा। बता दें कि ये जितने भी एक्सप्रेसवे के काम है, ये सारे काम NEAI यानी कि नेशनल एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किए जाते हैं और इनका टारगेट है कि आने वाले 5 से 6 सालों में हम लगभग 15,000 से लेकर 18,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे इंडिया में बनाएं। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इंडिया का जो एक्सप्रेसवे नेटवर्क है वो रशिया, जापान, फ्रांस, साउथ अफ्रीका और इनफैक्ट पाकिस्तान से भी काफ़ी कम है। लेकिन आने वाले 4 से 5 सालों के भीतर ही हम इन सभी देशों को ओवरटेक कर देंगे। बात करें इसके कॉस्ट की, तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए 35,000 करोड़ रुपीज़ खर्च किए जाएंगे और इस प्रोजेक्ट के लिए जो DPR है वो ऑलरेडी नवम्बर 2019 में तैयार कर लिया गया था और अभी इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू है। यहाँ पर दिल्ली कटरा के बीच की दूरी 727 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद ये दूरी घटकर मात्र 588 किलोमीटर की ही रह जाएगी। और इस कॉरिडोर की वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगी और इसे इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ साथ हम रिलीजियस कॉरिडोर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियस प्लेसेस जो कि अमृतसर का गोल्डन टेम्पल और कटरा का वैष्णो देवी, इन्हें ये एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो टूरिज्म है यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा और साथ ही में जो रिलीजियस टूरिस्ट हैं उन्हें भी एक अच्छा मार्ग मिल जाएगा, जिसके चलते यहाँ की इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के कुछ कूल फैक्ट्स और फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, क्योंकि ये एक हाई स्पीड एक्सप्रेसवे है तो ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर गाड़ियाँ 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। सेकेंडली, अगर आपको दिल्ली टू चंडीगढ़ जाना है तो आपको 4.5 घंटे का समय तो आराम से लग जाएगा, लेकिन एक बार इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्ट हो जाने के बाद आपको आधे से भी कम वक्त यानी कि 2 घंटे का ही समय लगेगा बस। बता दें कि दिल्ली टू चंडीगढ़ की दूरी 260 किलोमीटर की है और इस एक्सप्रेसवे के आने के बाद ये दूरी बस 20 किलोमीटर ही कम होगी, यानी कि 240 किलोमीटर। लेकिन क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पर आप 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला सकते हो तो आप 2 घंटे में ये दूरी को आराम से तय कर सकते हो। थर्डली, इस एक्सप्रेसवे के लिए जो भी ट्रीज काटे जाएंगे तो उनके कंपनसेशन के लिए यहाँ पर ग्रीन बेल्ट डेवलप किए जाएंगे एज अ पार्ट ऑफ एवेन्यू एंड मीडियन प्लांटेशन और इससे एक्सप्रेसवे के दोनों साइड पर प्लांट किए जाएंगे और रीजन के हिसाब से देखते हुए यहाँ पर ट्रीज और प्लांट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। फोर्थली, ये पंजाब के 5 रिलीजियस टाउन्स को भी कनेक्ट करेंगे जो कि 5 सिख गुरुज द्वारा स्थापित करे गए थे, जिसमें शामिल है सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाल साहिब, खारदुर साहिब, तरन तारण और अमृतसर। और अमृतसर के बाद ये एक्सप्रेसवे अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एंड होगा। इस एक्सप्रेसवे के साथ ही यहाँ पर अमृतसर टू गुरदासपुर हाईवे को पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया जाएगा, जिसके चलते इसे सिग्नल फ्री हाईवे बना दिया जाएगा। तो इस तरह से नागोदर, अमृतसर और गुरदासपुर के बीच हमें एक ट्रायंगल शेप में एक्सप्रेसवे दिखाई देगा। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर जो एक्सप्रेसवे का बहुत सारा पार्ट है वो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है।
जिसके चलते यहाँ पर इंडस्ट्रीज प्रमोट करने का एक काफ़ी सुनहरा अवसर मिलेगा और फाइनली इनडायरेक्टली यहाँ की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगी। तो ये थे कुछ फैक्ट्स एंड फीचर्स इस एक्सप्रेसवे के बारे में। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक्सप्रेसवे रिलेटेड काम होते हैं हमारे देश में वो उसकी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाती है, लेकिन इंडिया में यूपी और महाराष्ट्र ऐसे स्टेट हैं जो अपने स्टेट बजट से खुद अपने एक्सप्रेसवे बनाते हैं और कभी कभी सेंटर और स्टेट दोनों के कोऑर्डिनेशन से ये एक्सप्रेसवेज बनाए जाते हैं। और यहाँ पर बता दें कि पूरे इंडिया में लगभग 2 दर्जन से भी ज़्यादा एक्सप्रेसवे प्रपोज किए गए हैं, जिनमें से कुछ एक्सप्रेसवे प्लानिंग स्टेज में है तो कुछ एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। और आपने इस साल देखा होगा कि कोविड के चलते जो भी सप्लाई चेन्स थे वो चाइना से शिफ्ट होके इंडिया को नहीं बल्कि वियतनाम, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज में जा रहे थे। और इसका मेन रीज़न है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। आपने नोटिस किया होगा कि चाइना ने लगभग सभी अपने मेजर शहर्स को एक्सप्रेस हाईवे के साथ ऑलरेडी कनेक्ट कर दिए हैं, जिसके चलते जो भी फॉरेन की कंपनीज है वो अट्रैक्ट होती है सबसे ज़्यादा चाइना की तरफ, और इसी की बदौलत वो सेकेंड रिचेस्ट कंट्री बन पाया है पूरे वर्ल्ड में आफ्टर यूएसए, और आने वाले समय में वो यूएसए को भी जल्दी ओवरटेक करने जा रहा है, जहां पर लगभग 1 दशक पहले ही चाइना ने अपने सारे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सप्रेसवे बना दिए। वहीं आप देखो कि इंडिया ने अपने 2 बड़े सिटीज दिल्ली और मुंबई के बीच एक्सप्रेसवे नहीं बना पाया, और अब जाके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, और 24 एक्सप्रेसवे के साथ साथ यहाँ पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, भारतमाला, सागरमाला जैसे ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स पर काम अभी जोरों शोरों से शुरू है, और इनमें से एक तरफ कुछ प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल है तो दूसरी तरफ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन की स्टेज में है, और तीसरी तरफ कुछ प्रोजेक्ट्स लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम्स के चलते होल्ड पे है। वेल, गॉड नोज ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कब खत्म होंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आने वाले 6 से 7 सालों में कंप्लीट हो पाएंगे? इसके बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, और हाँ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।